रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। शारीरिक संबंध बनाने से मना किया तो वायरल कर दी विवाहिता की फोटो सिकंदरा। थाना इलाके के चांदपुर गांव निवासी विवाहिता ने गांव के ही एक जने के खिलाफ फोटो इंटरनेट पर डालने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार विवाहिता ने बताया कि 7 माह पूर्व गांव के भूपेंद्र मीना ने उसके साथ गले में हाथ डालकर फोटो खींची थी। इसके बाद भूपेंद्र ने पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। पीड़िता के मना करने पर फोटो इंटरनेट पर डालकर वायरल कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। बिजली का तार टूटने से बाइक सवार की मौत बांदी हुई। ग्राम पंचायत उनबड़ा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने शनिवार देर रात बिजली का तार टूटकर गिर जाने से बाइक सवार एक श्रमिक की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना पर सरपंच मलखान सैनी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और निगम कार्यालय में दूरभाष पर सूचना देकर बिजली सप्लाई बंद करवाई। इसके बाद शव को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां रविवार सुबह मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सरपंच ने बताया कि देर शाम आए तेज अंधड़ में तार टूट कर गिर गया। इसी दौरान राजकीय उमावी उनबड़ा गांव में विद्यालय भवन निर्माण में मजदूरी करके राम रतन 35 पुत्र जगदीश बैरवा निवासी सूरजपुरा थाना सदर दौसा बाइक से ही गांव में लौट रहा था कि तार बाइक पर गिरने से उसकी करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बाइक भी जल गई। उन्होंने बताया कि मौत की सूचना पर परिजन चिकित्सालय पहुंचे, जहां शव को देख बिलख पड़े। इससे माहौल गमगीन हो गया। सूचना पर बिजली निगम अधिकारियों ने मौके पर पहुंच मामले की जानकारी ली और तारों की मरम्मत करके बिजली सप्लाई सुचारू की। बिजली कटौती को लेकर फूटा गुस्सलवाण। कस्बे में 10 दिन से लगातार बिजली कटौती से परेशान महिलाओं ने रविवार को बस स्टैंड पर दौसा चाकसू स्टेट हाईवे जाम लगाकर बिजली निगम के खिलाफ नारे लगाए। तेज धूप के बाद भी महिलाएं सड़क पर बैठी रहीं। सूचना पर आधा घंटे बाद पहुंचे हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद ने समझाकर जाम खुलवाया और महिलाओं की समस्या सुनी। बात नहीं बनने पर महिलाओं ने थोड़ी देर बाद फिर से जाम लगाने का प्रयास किया। बाद में पुलिस ने तहसीलदार से दूरभाष पर महिलाओं की बात कराई। तहसीलदार द्वारा बिजली कटौती नहीं होने का आश्वासन दिया। इसके बाद महिलाएं घरों को चली गईं।